पिछले दिनों बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा अपने बॉयफ्रेंड जहीर इकबाल के साथ शादी के बंधन में बंधी। कायदे में खबर यहीं पर या फिर शादी के चर्चे, मेहमानों की फेहरिस्त और मुबारकबाद पर ही खत्म हो जानी चाहिए थी, जैसा आमतौर पर किसी भी सेलिब्रिटी के वेडिंग पर होता है। लेकिन सोनाक्षी जहीर की शादी के साथ ऐसा नहीं हुआ। मुबारकबाद के बजाय उन्हें नकारात्मक कमेंट्स और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। अंतर धार्मिक शादी होने की वजह से ये जोड़ा सोशल मीडिया पर ट्रोलर के निशाने पर रहा। कुछ ने तो सोनाक्षी को ट्रॉली बैग में पैक होने की भविष्यवाणी की, तो कुछ ने उन्हें धर्म बदल लेने की सलाह दे डाली। दोनों ही तरफ से इस शादी की आलोचना सिर्फ एक ही बात पर खपा रहे कि उन दोनों का मजहब अलग है। आखिरकार सोनाक्षी के पिता शत्रुघ्न सिन्हा ने भी अपने चिर परिचित अंदाज में ट्रोलर को खामोश रहने की सलाह दे दी। हर शख्स की जाति, धर्म, नस्ल के पहचान से ऊपर उठकर सिर्फ प्यार की जमीन पर फले फूले और बने रिश्ते तो पहले भी रहे, लेकिन पहले सोशल मीडिया नहीं था और ना ही ट्रोलर्स थे। मोहल्ले के दो चार लोग आपस में कानाफूसी करते थे, और तब भी करते थे और अब भी करते हैं, लेकिन इससे इतने बड़े पैमाने पर किसी ने किसी की निजी जिंदगी को निशाना बनाने की घटनाएं पर ध्यान नहीं दिया। ऐसी घटनाएं पहले नहीं होती थी जो कि अब होती है। तब ऐसा कुछ नहीं होता था। यहाँ बात सिर्फ सोनाक्षी जहीर तक सीमित नहीं है। सोशल मीडिया पर जो लोग इस तरह की नकारात्मक बातें लिख रहे हैं, इसका असर खुद उनकी जिंदगी पर भी नकारात्मक ही पड़ रहा है। सोशल मीडिया के खबरों की आगाह कर रही कई इंटरनेशनल स्टडीज ये कहती है कि सोशल मीडिया सामान्य रिश्ते बनाने और निभाने की मानवीय संभावनाओं को काफी हद तक प्रभावित कर रहा है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी कहती है कि सोशल मीडिया पर फैल रही टॉक्सिसिटी मानवीय रिश्तों पर नकारात्मक असर डाल रही है। आज के इस की वीडियो में हम इसी तरह की टॉपिक पर बात करेंगे कि सोशल मीडिया हर तरह के स्टीरियोटाइप को बढ़ावा देता है। टॉक्सिसिटी और ट्रोलिंग की वजह से ये जगह काफी नकारात्मक ऊर्जा से भरी रहती है। जो लोग सोशल मीडिया का ज्यादा वक्त बिताते हैं, उन्हें वास्तविक जिंदगी में लोगों से इंटरेक्ट करने में दिक्कत होती है। ऐसे लोगों के लिए दोस्त, कलीग्स, बॉस या पार्टनर्स के रूप में लोगों से रिश्ते बनाना और सहेजना मुश्किल हो जाता है। सोशल मीडिया का जहर हमारे तमाम रिश्तों को प्रभावित कर रहा है। साइकोलॉजी टुडे की एक रिपोर्ट बताती है कि सोशल मीडिया लोगों में रिश्तों को लेकर स्टीरियोटाइप का निर्माण करता है और उसमें बढ़ावा देता है। यानी सोशल मीडिया की वजह से लोगों के मन में किसी समुदाय या वर्ग के लोगों के प्रति खास तरह का पूर्वाग्रह बन जाता है। जब लोग इस पूर्वाग्रह के शिकार होते हैं तो उनके मन में इसका गहरा असर होता है। बाद में यही असर उनके रिश्तों पर भी दिखाई देने लगता है। आगे जैसे फ्यूचर में अगर उसी समुदाय या वर्ग के किसी शख्स के साथ उन्हें प्रोफेशनल, पर्सनल या सोशल रिलेशनशिप बनाना पड़े तो उन्हें दिक्कतें पेश होती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए सोनू नाम के किसी शख्स के मन में यहूदी धर्म के प्रति ये पूर्वाग्रह है कि यहूदी धर्म के युद्ध समर्थक होते हैं। ऐसे में अगर कभी भविष्य में सोनू की यहूदी बॉस, कलीग, जूनियर या दोस्त के साथ काम करने का मौका मिले तो वो उससे उसके साथ काम नहीं कर पाएंगे, उसे मुश्किलें पेश आएंगी। घर, दफ्तर, पार्क या किसी भी जगह कोई यहूदी मौजूद हो तो सोनू सोशल रिलेशनशिप के मामले में यहाँ पीछे रह सकता है। जबकि तथात्मक और तार्किक ढंग से सोचने वाला कोई व्यक्ति ऐसे पूर्वाग्रह नहीं रखेगा। ये हर इंडिविजुअल को उनके पर्सनल मेरिट के आधार पर ही देखेगा और उनके बुनियाद पर ही आंकलन करेगा। सोशल मीडिया से बढ़ रहा पूर्वाग्रह रिश्तों पर किस तरह पड़ रहा नकारात्मक असर। अमेरिका के एक इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट बताती है कि सोशल मीडिया पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल और हर तरह के रिश्तों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। सोशल मीडिया की टॉक्सिक माहौल और ट्रोलर्स की वजह से लोग एक खास तरह से सोचने लगते हैं। उनकी ये सोच सच्चाई से बिल्कुल उलट हो सकती है। उनके मन में अपने या किसी और के शरीर, नस्ल, जाति, धर्म या क्षेत्र के प्रति हीन भावना या पूर्वाग्रह घर कर सकता है। ये दूसरी ओर की सच्चाई की आसे पूरी तरह से मुंह फेर लेती है। ऐसे में जब वो अपनी सोच को रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं तो कोशिश करते हैं कि जो मुश्किलें पेश आती हैं उन्हें पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल रिश्ते बिगड़ जाते हैं। कोई दूल्हा या दुल्हन चुनने में बने बनाए ढर्रे से अलग रुख अपनाए तो उसे सोशल मीडिया पर निशाना बनाया जाता है। उन्हें ट्रोलर्स का शिकार भी होना पड़ सकता है। लेकिन रिसर्च का मानना है कि शादी अपने नस्ल, समुदाय, क्षेत्र से कितनी भी दूर की जाए उतना ही बेहतर है। जी हाँ, शादी जेनेटिक रूप से जितनी दूर की जाए उतना बेहतर है। खून के करीबी रिश्तों में शादी के होने वाले बच्चों में गंभीर अनुवांशिक डिसऑर्डर का खतरा बढ़ जाता है। शादी में दो पार्टनर के बीच एथनिक और जेनेटिक डाइवर्सिटी के सबसे स्वस्थ, इंटेलिजेंट और स्मार्ट बच्चे भी पैदा किए जा सकते हैं। क्योंकि अमेरिका में साल 2015 में 300,000 लोगों पर एक बड़ी स्टडी हुई, जहां एक डॉक्टर की इस स्टडी में पाया गया कि अगर माँ बाप के जीवन में पर्याप्त वेरिएशन यानी फर्क हो तो इस रिश्ते में पैदा होने वाले बच्चे
बाकी बच्चों की तुलना में ज्यादा मजबूत होते हैं। इस रिसर्च में पाया गया कि माँ और पिता के बीच नस्ल समुदाय और जीन के मामले में जितना ज्यादा फर्क होगा, बच्चा जेनेटिक रूप से उतना ही मजबूत पैदा होगा, आने वाली पीढ़ी मजबूत होती जाएंगी, ये इस रिसर्च में बताया गया है। इसका अर्थ ये है कि दुनिया भर में विभिन्न जातियों, धर्मों, नस्लों, समुदाय और राष्ट्रों के लोगों के बीच विवाह संबंध बुरे नहीं बल्कि जेनेटिक रूप से अच्छे हैं। विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है। शादियों को लेकर दुनिया की लगभग हर संस्कृति में कुछ रूढ़िवादी नियम कायदे रहे हैं। आजकल इन रूढ़िवादी नियमों से अलग हटकर शादियां हो रही हैं, लेकिन अगर हम भी सोशल मीडिया ट्रोलर्स की बकवास सुनने के बजाय विज्ञान और इतिहास की किताबें पढ़े, दुनिया भर के बेहतर मानवीय समाज बनाने के लिए लड़ी गई मनुष्यता की लड़ाई की कहानी पढ़े और हम प्यार और सुंदरता में यकीन करेंगे, हम धरती के किसी भी कोने में दो प्यार करने वालों के साथ खड़े होंगे, उनके प्यार को प्यार की नजर से देखेंगे और उस प्यार की इज्जत करेंगे, ना कि सोशल मीडिया ट्रोलर्स के बहकावे में आकर अपनी मानसिक और भावनात्मक सेहत खराब करेंगे। दोस्तों, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रख सकते हैं। और वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे जल्दी इस तरह की वीडियो के साथ। थैंक यू।